ये भैया नक्सली चलाने लग गया यार तुम्हारे बंदे, ये चीटिंग है जबान, आई लव यू यार। ये जबान अलग क्या होता है यार, रन थम बना दिया पूरा, एक बॉल तीन रन जी लगा दिया, एक बॉल तीन रन जी, दो रन देखो मैं मजा आ जाएगा, सुपर ओवर करा दो पीएसएल में, इस पीएसएल में सुपर ओवर ही नहीं देखा हमने, यही रह गया बस, यही लेकर आया मैं सुपर ओवर, मजा आएगा मैच, कमा सुपर ओवर ऑन करो, एक बॉल तीन रन, बेबा सर अभी पागल पड़ा है भाई, चौका ना लगा दे चौका ना लगा दे, कई बार और करके चक्कर में फुल टॉस गिर जाती है वैसे इसके साथ ना हो जाए कि और करके चक्कर में आए फुल टॉस, एक बॉल चौका, सराहने पे तीन सराहने रख चुका हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब कौन जीतेगा भाई साहब, क्या शोएब मलिक क्रीज में डिप खड़ा रहेगा या फिर मेरे हिसाब से लाहौर, लाहौर जीत रहा है, कर लेगा मसला मुटा हो चुका यार, क्या कर लेगा यार, वैसे ही लगा भी सकता भाई उन्होंने फील्ड, एक बॉल तीन ठीक है, फील्ड तो बढ़िया खोल दिया, अच्छा किया, तीन रन तो वैसे दो रन ना भाग कुछ भी हो सकता है, कराची में वाओ अमेजिंग कराची तीन विकेटों से जीत गया भाई, चौका लगा दिया बेवफा सरम ने, वफाई दिखा दी आज, आए भाई आखिरी बॉल पे तीन रन चाहिए थे, बाउंड्री पर लगा विकेट, चौका, मैं यही कह रहा था ये यॉर्कर डालने का चक्कर में फुल टॉस गिरेगी, फुल टॉस गिरी, बल्ले पे आई उसने लगा दिया चौका, खत्म कर दिया मैच को, कराची किंग्स गेम ऑन, पॉइंट्स टेबल वन अभी भी जीवित है भाई, कराची किंग्स अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकती है, रेस में बनी हुई है, लेकिन जमान खान के लिए भाई बहुत बुरा लग रहा है यार, आठ रन इस लड़के ने पूरी जान झोंक दी थी, पूरी जान झोंक दी थी इसने मैच बचाने के लिए, लेकिन भाई अल्टीमेटली यहाँ पे शोएब मलिक मैच खत्म कर दिया, आखिरी बॉल तक ले आया मैच, आखिरी बॉल तक तो ले, मैंने कहा था भाई एशिया कप में हमने मैच देखा था, वहां भी आखिरी बॉल तक मैच गया था, यहाँ भी मैच आपका आखिरी बॉल तक लड़का ले गया, लेकिन जहां गेंद फेंकनी थी वो गिरी नहीं, डालना यॉर्कर चाहता था, बॉल डल आउटसाइड ऑफ सम गई, वहां से निकल गया चौका, बट कराची किंग्स ने जीत लिया है, लांती लाहौर की एक और हार, और लांती लाहौर जो बाहर हो चुकी है उसने कराची की उम्मीदों को जिंदा रखा है, क्वेटा वाले ये मैच को देखकर और थोड़ा सा हिल गए होंगे, क्वेटा वालों को ये मैच देखकर और थोड़ी सी जो है वो टेंशन होगी, अपन टाइटल अपडेट कर देना कि कराची वॉन अ थ्रिलर वर्सेस लाहौर, भाई साहब इतना नजारेदार प्रियांशु नवानी मुकाबला, मतलब मजा लगा के रख दिया, छह बॉल आठ रन उसको ले गया, एक बॉल चार रन पे, ये देखो तुम भाई आखिरी ओवर की टाइमलाइन देख लो भाई साहब, उस लड़के ने फोन नहीं दिया, उस बंदे का देख लो भाई, छह बॉल में आठ रन चाहिए थे, एक बॉल पे चार रन तक लेकर चला गया, इतना 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 क्लोज इसने जो आपका मैच फंसा के रख दिया भाई साहब, मजेदार इतना सही मुकाबला गया ना आपका, ये इतना सही मुकाबला गया, आप एक चीज देखिए लक्षित भाई यार, एक ओवर के अंदर बाय द वे हार गए जमान खान ने, आप पे आखिरी बॉल खराब डाल दी, लेकिन एक आप आठ रन के अंदर, आठ रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, वो आखिरी बॉल तक लेके गया वो लड़का भाई, और आखिरी बॉल पे भी तीन रन चाहिए थे, इजी नहीं था ये मैच जीतना, चौका लग गया, खराब गेंद गिरी, कोई बात नहीं, जमान खान इससे सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जमान खान को, क्योंकि शाहीन ने उससे पहले ओवर में 10 रन से ऊपर नहीं छोड़े थे, 10 रन से नीचे छोड़े थे, कोई और बॉलर होता ना इस जगह में, बोलूं हारिस रॉफ होता है, कोई हारिस रॉफ ही होता, आपकी टीम का ही है ना वो, हारिस रॉफ होता तो भाई वो आखिरी ओवर आप देख लो जी, छह गेंदों में आठ रन चाहिए थे, पहली बॉल पे विकेट, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर सिंगल और विकेट, चौथी पर दो रन, फिर दो गेंदों में रह गए चार रन, फिर वहां से सिर्फ सिंगल, एक बॉल में तीन रन चाहिए, इतना क्लोज, इतना थ्रिलर, इतना कांटे का मुकाबला लगाकर भाई यहां पर खत्म किया ना पीएसएल ने, भाई साहब मजा आ गया ये मैच देख के, जितना क्लोज एक्साइटेड और ये मुकाबला, अगर जरा फटाफट से आप हमें स्कोर कार्ड के दर्शन करवा दीजिए, बिकॉज टिम साइफर्ट ने 33 गेंदों में 36 रन बनाए, जेम्स विल्स आज बहुत तेज खेल के भाई साहब 27 गेंदों में 42 रन, 16 गेंदों में 24 रन बना देते हैं शान मसूद, 17 गेंदों में 27 रन बना के शोएब मलिक, और 16 गेंदों में 35 रन जो ये इरफान खान नाम का लड़का करके गया है भाई साहब, असली मैच यहाँ पर आपके लिए इरफान खान ने बनाया, रॉबिन टोटल के साथ दिखाई, थोड़ा नीचे से वाला काट दो की जरूरत नहीं उसकी, बट जो मैच आपका इरफान खान बना के गया ना, ये एक बात जरूर है भाई साहब, इसने मैच प्रियांशु आपका वो फंसा के रखा, इसने आपका असली वो मैच बनाया, बाकी ने भला या कहीं ना कहीं टाइम पास किया, बिकॉज आप अभी पाकिस्तान के उभरते सितारे हैं, 16 गेंदों में 35 रन बनाए, 6 चौके लगा लो, 24 रन उसके, बाकी 10 गेंदों में आपने तकरीबन 11 रन भाग कर लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट सब कुछ बढ़िया, बिकॉज जहां 30 गेंदों में तकरीबन 50-55 रन चाहिए थे, लग रहा था कि मैच शायद कराची से वहां पर दूर है, वहां इसने जो खूबसूरती के साथ प्रियांशु चौके लगाने शुरू किए, अगर मैं खासकर आपको लेकर चलूं, लगातार से चौके लगाए, पहले डेविड वीजे को उस ओवर में चौके मारे, फिर शाहीन अफरीदी को इन्होंने एक ओवर में तीन चौके मारे, शाहीन अफरीदी को इरफान खान ने 77वें ओवर के अंदर 17th ओवर की दूसरी पांचवी और छहवीं बॉल पर जो तीन चौके इन्होंने लगाए, वहां से कहीं ना कहीं मैच का मोमेंटम पलटा, बिकॉज 15 रनों का 17वां ओवर आता है, वहां असली मैच का मोमेंटम पलटा, बट प्रियांशु इस्लामाबाद को सॉरी कराची की टीम ने इस मैच को थ्रिलर बनाने के साथ में बात बता दी कि भाई अभी वो भी इस रेस को पूरी तरह लड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HBL PSL 9 के 26वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर इवेंट में चौथी कामयाबी हासिल करने के साथ साथ पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ गोके
पांचवें नंबर पर है, मगर इस टीम ने इस अहम मैच में जीत के साथ इवेंट में ना सिर्फ वापसी की है बल्कि टॉप फोर में जगह बनाने की उम्मीद भी रोशन की है। दूसरी जानब मुसलसल दो मरतबा के फातह और एजाज का दिफा करने में नाकाम लाहौर कलंदर की 8 मैच में 7वीं नाकामी रही। लाहौर कलंदर महज एक मैच में कामयाबी हासिल कर सकी है और एक मैच बारिश की नज़र होने की वजह से एक पॉइंट हासिल करके कुल 3 पॉइंट्स के साथ PSL 9 टॉप फोर की दौड़ से पहले ही आउट हो चुकी है। इस अहम मैच में कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 20वें ओवर में 177 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 55 और फखर जमान 54 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया और लाहौर कलंदर को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुएब मलिक ने जमान खान को चौका लगाकर हदफ हासिल किया। वाजह रहे कि शुएब मलिक 17 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 27 रन की इनिंग्स खेली और नाकाबिले शिकस्त रहे।